बढ़िया रंग आ रहा है इसका, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। खानाखिलाना.com में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी। दोस्तों, रोल्स खाना सबको बहुत पसंद होता है, तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो यही है। आज हम बनाएंगे हरियाली कबाब रोल्स, जो बहुत कम समय में बनकर तैयार होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना हरियाली कबाब रोल्स। हरियाली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम फ्रेश पालक। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, पानी से कई बार धोया है और अब हम इसे गर्म पानी में ब्लांच करेंगे और फिर उसके बाद उसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। यहाँ साथ में लिए मैंने एक कप मटर, मटर को भी मैंने ब्लांच कर लिया है और अब इसको भी पीस कर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चलिए पेस्ट बनाते हैं। पालक और मटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम एक बोल लेंगे, बोल में डालेंगे मटर का पेस्ट, पालक का पेस्ट, साथ में डालेंगे दो उबले हुए मैश्ड किए हुए आलू। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्वाद के अनुसार नमक, 1 लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया, और इसको बाइंड करने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हैं, फ्रेश है बिल्कुल, और इसकी रेसिपी भी मैं अगले आने वाली वीडियो में ज़रूर डालूंगी, आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। डो तैयार हो गया है। अगर आपको मिक्स थोड़ा पतला लगता है या लगता है कि ये ठीक से नहीं हो रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच और ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं या इसमें कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। अब हरियाली कबाब रोल के लिए चलिए अब हम कबाब बनाते हैं। सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने यह पोर्शन लिया है। अब हम इसे सिलेंड्रिकल आकार में बनाएंगे इस तरह से। कि रोटी के आकार पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी रोटी बना रहे हैं। अगर आप छोटी रोटी बना रहे हैं तो साइज छोटा रखिएगा और बड़ी रोटी है तो थोड़ा बड़ा रखिएगा। मैं इसी तरह से सारे अपने कबाब बनाकर तैयार कर लेती हूँ। कबाब बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए अब इन्हें शैलो फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब रोल्स के लिए हम कबाब फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें धीरे धीरे अपने कबाब को हम फ्राई करेंगे। यहाँ आप धीरे धीरे डालिएगा, बहुत सॉफ्ट कबाब है और चारों तरफ से पलट पलट कर हम इन्हें अच्छे से तल लेंगे।
कबाब को हर तरफ से घुमा घुमा कर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया रंग आ रहा है इसका, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे। रोल के लिए अब हम सबसे पहले आटा गूंदेंगे। इसके लिए मैंने एक बोल में 1 कप आटा लिया है। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और इस पानी की सहायता से हम इसका एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो गया है, अब इसे ढककर रखेंगे 10 मिनट के लिए, इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए डो को चेक करते हैं। डो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। फिर से हम इस तरह से गूंद देंगे और अब हम इसकी रोटियां बनाते हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का और हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिएगा इस तरह से और इसको बेलेंगे। मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है, ये नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि रोल है, इसलिए हमें इसमें काफ़ी सारा सामान हमें इसके अंदर भरना है, तो हमें थोड़ी सी रोटी बड़ी बनानी है। अब हम इसको सेक लेते हैं। ऐसे ही हम अपनी सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे और उन्हें सेक लेंगे। तवा गर्म हो गया है, चलिए बनाते हैं। इसको हम पराठा स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हल्का हल्का ऑयल भी लगा देंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आटे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये एक हेल्दी वर्जन है। और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का हल्का सेक जाए। लीजिए हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, अब टाइम है इनको असेंबल करने का। हरियाली कबाब रोल बनाने के लिए हमारे पास कबाब तैयार है, पराठे तैयार हैं, चटनी और सॉसेस तैयार हैं, सभी तरह के हमारे पास वेजेस तैयार हैं, तो चलिए इनको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टोमेटो केचप, अच्छे से इस पर स्प्रेड करेंगे। अब लगाएंगे धनिया पुदीने की चटनी। अब रखेंगे बीच में एक कबाब। कुछ अनियन के पीसेस। कुछ कैबेज, कैप्सिकम, कुछ गाजर के पीसेस और फिर से इसके ऊपर भी डालेंगे हम थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी सॉस, ऊपर से स्प्रेड करेंगे चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें म्यूनीज भी डाल सकते हैं या आपको जो भी डिप पसंद हो या पिज़्ज़ा सॉस जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे, इस तरह से फोल्ड कीजिए, इस तरह से फोल्ड कीजिए और साथ में इस पर लगा दीजिए एक टूथपिक जो इसको ओपन नहीं होने देगा। रोल में जितना ज़्यादा फिलिंग होगी उतनी ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, लेकिन इसके साथ साथ इसका सारा फिलिंग गिरने का भी डर है, तो इसलिए हम यहाँ पर बटर पेपर के
यूज़ करेंगे इसको कवर करने के लिए या टिन फॉइल का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप इसको कोट करिए जल्दी से, और इस तरह से हमने इसको तैयार कर दिया। और इसी तरह से हम अपने सारे रोल इसी तरह से पैक कर लेंगे। खाने में भी आसान, देखने में भी बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं इसे खाना। देखा आपने कितना आसान था हरियाली कबाब रोल्स बनाना। मुझे तो इसे बनाते बनाते ही भूख लग गई। आई एम श्योर आप जब भी इसे बनाएंगे आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।